So today we are going to start a new class, a new video on issue of share. And today question is question number 15 of T.S. Garhiwal, Tata Limited. Tata Limited having an authorized capital of rupees 20 lakh in shares of rupees 10 each. Means Tata Limited का authorized capital 20 lakh है. Means they are eligible to raise 20 lakhs from public. Now 20 लाख रुपए एट अ टाइम उन लोग पब्लिक से रेज कर सकते हैं. दिस हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय सेबी. इन्होंने इसको रेज करने के लिए क्या किया, शेयर इशू किया. शेयर के दाम रखे हैं 100 रुपए. मीन्स दे आर गोइंग टू इशू 20,000 शेयर्स. तो जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं तो आपको कैपिटल और फेस वैल्यू दिया रहेगा. आप जस्ट डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है. तो 20 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, 100 रुपए की फेस वैल्यू है. मींस दे आर गोइंग टू इशू 20,000 शेयर. बट कंपनी हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स. तो कंपनी ने डिसाइड किया कि दैट दे आर गोइंग टू इशू 10,000 शेयर्स. मींस बाकी के जो 10,000 शेयर्स हैं, हो सकता है कंपनी आज ना करे, बाद में इशू करे. हो सकता है कंपनी का एक्सपेंशन प्रोग्राम जो है उसमें अभी 10 लाख रुपए की ही ज़रूरत है. 100 रुपए का ब्रेकअप किया हुआ है. 100 रुपीज़ को मैं ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ. काफ़ी बार मैंने वीडियोज़ में दिखाए हैं आपको. 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन है, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है, 25 ऑन फर्स्ट कॉल है, एंड द 25 इज़ ऑन फाइनल कॉल. तो ये 100 रुपीज़ का ब्रेकअप है. देयर इज नो प्रीमियम. तो एक्सेसिव मनी तो कंपनी ने नहीं मांगा है. नाउ द कंपनी हैज़ रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर. दैट इज एक्सेस ओवर वॉट कंपनी हैज इन्वाइटेड. तो 10,000 से ज़्यादा का एप्लीकेशन आ गया, 2,000 ज़्यादा, तो कंपनी क्या करेगा. द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स एंड कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन. मीन्स जो 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी रिफंड करेगा. सर इसका मतलब क्या, देखिए जब कंपनी पब्लिक को इनवाइट करता है कि मैं 10,000 शेयर्स आपको ऑफर कर रहा हूं एंड यू कैन पीपल अप्लाई फॉर दिस शेयर, जब ऐसा होता है तो बात क्या है, कंपनी क्या चाह रहा है. कंपनी ये चाह रहा है कि लोग अप्लाई करें. तो जब पब्लिक अप्लाई करती है तो किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन कितने के लिए अप्लाई कर रहा है. सब एप्लीकेशन कर देते हैं और जब कंपनी टोटल करती है तो कंपनी को पता चलता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गया. अब जब एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गया तो कंपनी के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. मैंने ओवर के सम भी आपको कराए हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी डिसाइड किया है कि दैट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड. इसका मतलब सीधा सा ये है कि अप्लाई करते वक्त सबने एप्लीकेशन मनी तो दे दी है, कंपनी के पास वो एप्लीकेशन मनी तो आ गया. अब क्योंकि कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन को शेयर नहीं दे सकती, सो कंपनी ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी. अब ऑल द मनी वे आर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे आ गए, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 250 शेयर. मीन्स वन ऑफ द शेयर होल्डर हैज फेल्ड टू मेक द पेमेंट ऑन द फाइनल कॉल एंड द शेयर हेल्ड बाई हिम इज 250 शेयर्स. नाउ वॉट विल कंपनी डू. हम लोग जनरली सीखते हैं सर एप्लीकेशन की 2 जर्नल, अलॉटमेंट की 2 जर्नल, फर्स्ट की 2 जर्नल, फाइनल की 2 जर्नल. अब एक शेयर होल्डर ने फाइनल में ही तो पैसे नहीं दिए, तो सर वो पैसा रिकवर कैसे होगा. अगर कोई भी शेयर होल्डर ऐसा है जिसने पैसे नहीं दिए टिल फाइनल कॉल, देन द कंपनी हैज लिफ्ट विद एन ऑप्शन ऑफ फोरफीचर. कंपनी उसके शेयर को जब्त करेगा, जिसे हम लोग फोरफीचर कहते हैं. मैं आज आपको वो भी सिखाऊंगा. साथ में कंपनी क्या करेगा, उसके शेयर को दोबारा से किसी को री इशू करेगा. एंड द कंपनी हैज री इशूड ऑल द हाफ ऑफ दिस शेयर्स एट द 90. देखिए मैं आपको फोरफीचर, री इशू सब सिखाऊंगा. पहले अपने 4 बेसिक जर्नल्स जो हम जानते हैं पहले हम वो कंप्लीट करेंगे. सी तो मैं एप्लीकेशन से स्टार्ट करता हूँ. हमारा पहला स्टेज क्या है सर, एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में हम कैसे करेंगे काम, तो मैं लिखूँगा पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक.
ये बैंक हम क्यों लिख रहे हैं सर? ये बैंक जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसको रिफंड करेंगे। नंबर टू, फिर हम लिखेंगे अलॉटमेंट। मैं सारे जर्नल्स पहले आपको लिए पुट अप कर रहा हूँ, फिर मैं अमाउंट आपको बताऊँगा। मैं लिखूँगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ प्रीमियम है नहीं तो मैं प्रीमियम को यूज़ नहीं करूँगा, क्लियर है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ एरियर नहीं है, मैं एरियर नहीं लिखूँगा। फिर हम मूव करेंगे फर्स्ट कॉल में, जनरल क्या लिखूँगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर यहां नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट कॉल फिल नहीं किया, सॉरी फाइनल कॉल में ये एंट्री करेंगे हम लोग। फाइनल कॉल में एंट्री है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये एंट्रीज तो हमारी बेसिक चार स्टेजेस की हो गई। कॉल इन एरियर सिर्फ हम कहाँ यूज़ करेंगे, फाइनल कॉल में। बात क्या है सर, अब आप थोड़ा समझिए डिटेल्स में, हुआ क्या। एप्लीकेशन तो सर आ गया 12,000 के लिए, जबकि हमारे पास एप्लीकेशन सिर्फ 10,000 के लिए आनी चाहिए थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर है। अब क्योंकि एप्लीकेशन 12 के लिए आ गया तो शुरू में एप्लीकेशन मनी तो 12,000 शेयर्स पे ही आ गई, तो एप्लीकेशन के स्टेज में 20 रुपीज़ है। इट मीन्स कंपनी के पास 2,40,000 रुपीज़ आ गए, क्लियर है। ओके, नाउ कंपनी 2,40,000 यहाँ भी ट्रांसफर करेगा। जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हर एक स्टेज के दो जर्नल हैं, दोनों में रिलेशन है। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन 240 है तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब आता है बात कैपिटल और बैंक का। कैपिटल पे आप हमेशा वो नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे जो कंपनी एक्चुअल में इशू करना चाहता था, डैट इज़ 10,000 शेयर्स। तो 10,000 × 20 दैट इज़ 2,00,000। और बैंक में जो एक्सेस आ गए थे 2,000, जिसके पैसे कंपनी को रिजेक्ट करने हैं, रिफंड करने हैं, इशू से 40,000, ये हो गया। जब आप अलॉटमेंट में आएंगे तो अब नंबर ऑफ शेयर आपका 10,000 ही है क्योंकि सर जो एक्सेस आए थे उनके पैसे हमने रिफंड कर दिए, तो 10,000 है। अलॉटमेंट में 30 रुपीज़ है, हम 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना 3,00,000 और सेम यहाँ पे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे 3,00,000, 3,00,000। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल में सर 10,000 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, विच इज 2,50,000। यहाँ पे लिखेंगे आप 2,50,000। नाउ फाइनल कॉल में जब आप आएंगे फिर आप 25 ही लिखेंगे बिकॉज फाइनल में भी 25 है। यहाँ आप 250 लिखोगे, ध्यान से सुनना, यहाँ 250 पहले ट्रांसफ़र करोगे क्योंकि यहाँ भी देखो फाइनल कॉल में 250 है, यहाँ भी फाइनल कॉल में 250 है। एरियर जो बंदे ने पैसे नहीं दिए, 250 × 25, यहाँ लिखोगे 6,250 और इसको माइनस करके लिखोगे 218,750, ठीक है, सॉरी 243,750। तो ये आपको फाइनल कॉल की एंट्री हो गई। अब सर यहाँ पे जब कोई शेयर होल्डर अगर पैसे ना दे तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, ये नोट डाउन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कंपनी के पास क्या ऑप्शन है। कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट करेगी। फोरफीचर का मतलब क्या है सुनना,
फॉरफीचर वर्ड का मतलब है कि कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट करेगी, जब्त करेगी, इसे हम लोग कहते हैं जब्त करना। और जब्त जब करेगी तो कंपनी दो काम करेगी, उसके शेयर्स को भी जब्त कर लेगी और आज तक उसने जो पैसे दिए हैं वो भी। तो सर एंट्री कैसे होने वाली है, पहले आप एंट्रीज लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब इसमें चीज़ों को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। फॉरफीचर किसका होता है सर, जो पैसे नहीं देता। तो यहाँ पर एक ही शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए और उसके पास शेयर है 250, मीन्स कंपनी इज गोइंग टू फॉरफिट 250 शेयर्स। तो सर 250 तो लिख दिए, इनटू सर किसके साथ करेंगे, यहाँ जो हम इनटू करते हैं उसे कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। अब कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है सर, जैसे हमारे यहाँ पे एक शेयर का दाम 100 रुपया है और हमने देखा कि उस बंदे ने सारे स्टेजेस दिए और फेल कहाँ किया, फाइनल कॉल। कॉल्ड अप वर्ड का मतलब होता है जब कंपनी कॉल करता है। तो कंपनी ने पहले इनवाइट किया, उसने एप्लीकेशन दिया, 3 महीने बाद कंपनी ने कॉल किया, अलॉटमेंट का पैसा दे दो, उसने दे दिया। कंपनी ने फिर 3 महीने बाद बोला कि फर्स्ट कॉल के पैसे दो, उसने दे दिया। कंपनी ने 3 बार फिर महीने बाद कहे कि फाइनल कॉल के दे दो, वो फेल कर दिया। तो जैसे ही वो फाइनल कॉल फेल हुआ तो आपको करना क्या है, कॉल्ड अप का मतलब ये होता है कि कहाँ तक कंपनी ने पैसे मंगवाए थे और उसमें आपको ये देखना है कितने उसने दिए कितने नहीं दिए। तो कॉल्ड अप का मतलब है कि अगर कोई बंदा फाइनल कॉल फेल करता है, इसका मतलब कंपनी ने पूरे फाइनल कॉल तक पैसे मंगवाए, तो यहाँ पे इनटू करेंगे फेस वैल्यू जो कि 100 है। अगर यही बंदा अलॉटमेंट फेल करता, फर्स्ट फेल करता और कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लेता। एक बात और बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरफीचर हमेशा फाइनल कॉल के बाद हो। ऐसा कई बार होता है कि जब शेयर होल्डर एप्लीकेशन देने के बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे अगर नहीं देते हैं आफ्टर रिपीटेटिव नोटिस, तो कंपनी के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि उसके शेयर को कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद और कभी कभी अलॉटमेंट के बाद भी फॉरफिट कर सकता है। तो ये जो कॉल्ड अप वैल्यू है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका फेस वैल्यू ही हो। सपोज करिए ये तो चारों स्टेज थे, उसने फाइनल के बाद फॉरफिट किया तो हम 100 लिखें। अगर ऐसा होता कि ये बंदा फर्स्ट कॉल फेल किया और कंपनी उसी के बाद फॉरफिट कर लिया, तो फाइनल कॉल तक जाते ही नहीं, फाइनल कॉल का 25 हटा दो तो जोड़ोगे तो 75 होगा, तब यहाँ 75 होगा। अगर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसके बाद ही फॉरफिट कर लिया तो सिर्फ 50 होगा। तो डिपेंड करता है कौन से स्टेज में फेल होने के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। अगर फाइनल के बाद कर रहे हैं तो हमेशा फेस वैल्यू लगाइए, फाइनल के पहले फॉरफीचर हो रहा है तो आप काउंट करिए, टोटल करिए, वो वैल्यू पुटअप करेंगे, वही होता है कॉल्ड अप। तो यहाँ पे तो फाइनल कॉल हो चुका था तो मैं 25,000 लिख देता हूँ। फॉरफीचर मतलब उसने जो जो स्टेज के पैसे दिए, एरियर मतलब जिसके स्टेज के पैसे उसने नहीं दिए। तो इस बंदे ने एक ही स्टेज का पैसा नहीं दिया है जो है फाइनल कॉल का 25, और इसका मतलब है उसने 75 रुपीज़ दिए हैं। 75 कैसे आया सर, आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो पूरा ये 75 होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6250 और ये आएगा 18750। अब एक बात मैं बताता हूँ, फॉरफीचर में किसी भी फर्म को, कंपनी को आई शुड से, फ़ायदा होता है या नुकसान? सर फायदा होता है। कैसे? इस बंदे ने 18,750 रुपया दिए, कंपनी ने उसके शेयर को भी रख लिया और उसके पैसों को भी रख लिया, तो कंपनी का फ़ायदा हो गया। अब कंपनी ये शेयर किसी और को बेचेगा जिसे हम लोग री इशू कहते हैं। क्या कहते हैं? री इशू, दोबारा से इशू करना। कंपनी जब ये री इशू करेगा, मैं आपको सिखाता हूँ, आप सबसे पहले तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ये तो मैंडेटरी आपको लिखना ही है। अब इसमें एक लाइन और लिखते हैं हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। सर ये शेयर फॉरफीचर आप क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, सुनना बहुत ही ध्यान से। कंपनी जब ये शेयर बेच रहा है तो 90 रुपये में बेच रहा है। आप अच्छे से जानते हैं आपके शेयर का दाम 100 रुपया था, तो सर कंपनी को तो नुकसान हो रहा है। यस, नुकसान हो रहा है। तो कंपनी इस नुकसान को किससे भरना चाहेगा? अपने फायदे से, क्योंकि फॉरफीचर में जो पैसा कंपनी का अर्निंग बना, जो कंपनी का इनकम बन गया, वो है शेयर फॉरफीचर। तो हर एक इंसान भी ऐसे ही करता है, नुकसान को फायदे से भरता है, तो कंपनी भी वही काम करेगा। इसीलिए जो रिडक्शन पे बेचेगा, जो रिड्यूस्ड प्राइस है, जिसको डिस्काउंट नहीं कहेंगे, उसको शेयर फॉरफीचर पे डेबिट करेंगे। और बेसिक रीज़न है,
कमाया था तो उसका नाम भी शेयर फॉरफीचर ही है, तो नुकसान अगर हो रहा है तो उसी अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 125 into 90। अब बोलेंगे सर ये 125 क्यों हो गया, आपने तो 250 शेयर फॉरफिट किए थे। वहाँ लिखा है हाफ ऑफ द शेयर्स वेर इशूड, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को सारे शेयर्स एक ही बार में रीइशू करने हैं, कंपनी अपने हिसाब से रीइशू कर सकता है। तो अभी अगर 125 कर रहा है तो हम 125 को लेके चलेंगे इंटू 10, और ये 125 into 100 विच इज़ द फेस वैल्यू। तो ये तो हो गया आपका 1250, ये हो गया 125 और ये हो गया 1125। क्लियर है? तो यहाँ तक तो सर समझ गए। लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व का मतलब है कंपनी का नेट फ़ायदा कितने रुपए का हुआ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आदत होता है कि सर इस एंट्री में उन्होंने इतने पैसे कमाए, इस एंट्री में इतने का नुकसान हुआ, आप इससे इसको माइनस कर दो। एक बात सुनो, ये जो अर्निंग है वो 250 शेयर्स पे है और ये जो डिस्काउंट है वो 125 पे है। इस बात की क्या गारंटी है कि बचे हुए 125 पे कोई नुकसान नहीं होगा? तो अभी आपको जब अर्निंग भी निकालना है तो 125 पे ही निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे, एकदम बेसिक फॉर्मूला सिखाता हूँ, बुक में भी आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। सिंपल है, जब कंपनी ने पैसे कमाए थे तो एक एक शेयर पे कितने कमा लिए? सर 75 रुपये उस बंदे ने दिए थे, हमने पूरे उसके जब्त कर लिए। जब हमने री इशू किया तो एक एक शेयर पे हमने कितना गवाया? सर 10 रुपये गवाया। तो अब आपको करना क्या है, सब समझ गए, इनटू 125। इसका मतलब है 65 को 125 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कंपनी को फ़ायदा कितने का होगा, 65 into 125, दैट इज़ 8125। तो आंसर आएगा आपका 8125। तो इस तरह से आपको मैंने फॉरफीचर सिखाया। शेयर्स में कुछ चीज़ें और भी सिखानी है, बैलेंस शीट, कैश बुक, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, तरह तरह के सम्स मैं आपको करवाते जाऊँगा।